फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज हम जैसे इससे पहले वीडियो में मैंने आपको ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करनी है ये मैंने आपको दिखाया है। ये फ्रंट साइड के पार्ट है और ये बैक साइड है हमारी। तो यहाँ पे हमें इसकी पहले फ्रंट साइड स्टिच करनी है। ये जो बैक साइड है इसे हम अलग रखते हैं, पहले हम फ्रंट साइड तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने ये फ्रंट साइड के पार्ट लिए हैं, जैसे यहाँ पे ये पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। तो इसे हमें क्या करना है, इस तरह से इसको रखना है। और यहाँ पे हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने इसको स्टिच किया है। यहाँ पे हमारी ये फ्रंट साइड जो है, ये पार्ट जो है इस तरह से आता है। दूसरा जो पार्ट है इस तरह से आएगा। जैसे ये हमारा इस साइड में आया है तो दूसरा जो है यहाँ पे हमें यहाँ पे हमने इसको स्टिच किया है। ये जो दूसरा पार्ट है ये हमारा इस तरह से आता है। जैसे यहाँ पे हमारा अभी यहाँ पे हमने ये जो दोनों पार्ट है इसको स्टिच किया है। अब नीचे के साइड में हमें इस तरह से ये पट्टी लगानी है, जैसे आप 1.5 इंच की या 2 इंच की भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने ये एक्स्ट्रा जो पट्टी है इसे हमें कट करना है। और इसके ऊपर हमें ये सिलाई लगानी है। अभी यहाँ पे हमें इसको अंदर के साइड में इसको फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है।
एक्स्ट्रा जो पट्टी है इसे हमें कट करना है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे इसे अंदर के साइड में इसको फोल्ड करना है। आप चाहे तो इसके ऊपर जैसे तुरपाई भी कर सकते हैं, अंदर के साइड में इसको फोल्ड करना है तो आप चाहे तो इसके ऊपर तुरपाई भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधी एक सिलाई भी लगा सकते हैं। तुरपाई करनी होगी आपको तो बीच में रफ सिलाई लगानी है, तुरपाई नहीं करनी है तो आपको किनारे पे सिलाई लगानी है। अभी यहाँ पे भी हमें दूसरा पार्ट जो है इसको भी हमें यहाँ पे नीचे के साइड में हमें ये पट्टी लगानी है। एक्स्ट्रा जो पट्टी है इसे हमें कट करना है। यहाँ पे भी हमें इस तरह से इसको फोल्ड करके यहाँ पे हम किनारे पे इसके किनारे पे सिलाई लगानी है। अभी यहाँ पे हमें इस तरह से आधा इंच इसको अंदर के साइड में इसको फोल्ड करना है। अभी यहाँ पे भी हमें इस तरह से इसको अंदर के साइड में इसको फोल्ड करना है और इसके ऊपर किनारे पे सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने ये दोनों साइड में ये जो है नीचे के साइड में हमने ये पट्टी लगाई है, इस साइड में भी और इस साइड में भी। अभी यहाँ पे हमें हुक और आई की पट्टी लगानी है। अभी यहाँ पे हमें हुक और आई की पट्टी लगानी है तो यहाँ पे हमारा ये जो है ये नेक साइड है हमारी, ये जो है ये हमारी नेक साइड है और यहाँ पर हमारा ये आर्मोल है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे इस तरह से हमने ये 1.5 इंच की पट्टी ली है, इस तरह से हमें आधा इंच अंदर के साइड में इसको फोल्ड करना है। और इसे सीधी सिलाई लगानी है। और यहाँ पे हमें इस तरह से इसको लेना है, जैसे आधा इंच हमने इसको फोल्ड किया है, फोल्ड करने के बाद इस तरह से हमें इसको अंदर के साइड में इसको फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे हमें ये सिलाई लगानी है।
इस तरह से हमने ये पट्टी को ज्वाइन किया है। अभी यहाँ पे हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने ये पट्टी तैयार की है। अब इसे हमें अंदर के साइड में इसको फोल्ड करना है। और यहाँ पे हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने ये पट्टी जो है वो तैयार की है। अब दूसरी जो पट्टी है इसे भी हमें तैयार करना है। अब यहाँ पे हमने ये जो पट्टी लगाई है जैसे सीधी साइड से लगा के अंदर के साइड में इसको फोल्ड किया है। अब यहाँ पे दूसरी साइड का जो पार्ट है इसे हमें क्या करना है, जैसे उल्टे साइड से लगा के सीधे साइड में हमें इसको फोल्ड करना है। तो यहाँ पे भी हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है और इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया है। यहाँ पे हमें अब इसे सीधी साइड लेनी है। सीधे साइड में हमें यहाँ पे हमें इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ये जो सिलाई हमने लगाई है इसके ऊपर हमें इस तरह से लेना है और यहाँ पे हमें किनारे पे सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमें अंदर के साइड में इसको आधा इंच जो लिया था फोल्ड किया था उसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है। और इसके ऊपर हमें ये सिलाई लगानी है। अभी यहाँ पे भी हमें दूसरे साइड में किनारे पे इसके सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने ये यहाँ पे ये जो पट्टी है ये लगाई है, जैसे हुक और आई की पट्टी भी हमने लगाई है। इस तरह से हमने ये तैयार किया है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये फ्रंट साइड जो है ये मैंने आपको स्टिच करके दिखाई है। जैसे बैक साइड जो है इसे हमें शोल्डर ज्वाइंट करना है और स्लीव ज्वाइंट करके फिटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये फ्रंट साइड जो मेन पार्ट था इसको मैंने आपको स्टिच करके दिखाया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।